आइए अब हम देखते हैं कि टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है मैटर को। अगर हम टेम्परेचर को अप्लाई करें मैटर के ऊपर तो कैसे वो चेंज होगा। सो यहाँ लिखा है, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेस विच ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, देयर बाय सॉलिड मेल्ट्स एंड इज कन्वर्टेड टू अ लिक्विड। इसका मतलब है कि जब सॉलिड में टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने से जो पार्टिकल की आपस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है एक दूसरे के साथ, वो लूज होने लगती है, और वो जैसी लूज होती है तो सॉलिड जो है वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है, और जैसे ही वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है तो सॉलिड जो है वो अपनी सेकेंड स्टेट यानी कि लिक्विड स्टेट में आ जाता है। नाउ दिस टेम्परेचर एट विच द सॉलिड इज कन्वर्टेड इन टू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। इस टेम्परेचर जिसपे सॉलिड ने लिक्विड के बीच में कन्वर्जन ले ली है, इस टेम्परेचर के पॉइंट को हम मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस 273.16 केल्विन, ये मेल्टिंग पॉइंट है आइस का, और जो ये प्रोसेस है, दिस प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड फ्यूजन। इस पूरे प्रोसेस को जिसमें सॉलिड ने लिक्विड फॉर्म ले ली है, इस प्रोसेस को फ्यूजन बोलते हैं।